अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि मैंने जो भी ऊपर लिखा है वो एक बार पढ़ लें और बराए मेहरबानी विनती करती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द जुड़े और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें। जी दोस्तों, मैं आज भीम एकता जिंदाबाद और यास्मीन अरोरा मुंशी पेज पर एक साथ लाइव हूँ। मैं आप सब लोगों को सबसे पहले कहना चाहूँगी जय भीम, जय मूल निवासी। मेरे सारे भाइयों और बहनों को मैं बताना चाहती हूँ कि हम मूल निवासियों के लिए काम कर रहे हैं और हमारी ये सोच है कि हम मूल निवासियों के लिए देश में सत्ता में आए और मूल निवासियों के लिए काम करें। अब आप सब तो जानते ही हैं, मूल निवासी हम 85% माने जाते हैं, उसमें सब आ गए, सिख, ईसाई, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सारी समाजें। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि 15% जो हम ब्राह्मण कहते हैं उनका योगदान 15% ही है हमारे हिसाब से देश में। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम पर सत्ता, हमें गुलाम बना के रखा गया है अंग्रेजों के बाद, वो कोई और नहीं ब्राह्मणों ने किया है। तो मेरे कुछ सवालों के साथ मैं ऑनलाइन आई हूँ। कई लोग मुझे इस तरीके के सवाल कर रहे हैं, पर्सनली भी और मैसेज के जरिए भी। मेरे कई पेज चलते हैं जिसमें से भीम एकता जिंदाबाद भी मेरा ही पेज है और मैं धन्यवाद कहूँगी विशाल आर्यन को कि जिन्होंने मुझे हमेशा से सहयोग दिया है और भीम टीवी और भीम एकता जिंदाबाद के पेज पे मुझे लाइव लाया है और मुझे बहुजन समाज के करीब लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे ही नहीं, मेरे माध्यम से सारे मुसलमान बहुजन समाज के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आज की तारीख में मैं बामसेफ में हूँ, बामसेफ में भारत मुक्ति मोर्चा में हूँ और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा में भी हूँ और अच्छी पद पे हूँ, राष्ट्र लेवल की पद पे हूँ मैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ वामन मिश्राम साहब का और हमारे राष्ट्र मुस्लिम मोर्चा के प्रेसिडेंट महमूद साहब का। तो मैं आगे बढ़ते हुए आप लोगों से कहना चाहती हूँ, बीएसपी, मायावती जी की पार्टी, बहन की पार्टी, एसपी समाजवादी अखिलेश यादव जी की पार्टी, बीएमपी मिस्टर मातंग जी की पार्टी, वीएल मातंग, बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष। उसी के साथ मैं आगे बढ़ के कहती हूँ कि बीएसपी शिवपाल सिंह यादव जी की पार्टी है ये भी। और उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि आरपीआई रामदास अठावले जी की पार्टी। उसके बाद मैं कहूंगी कि बीबीएमपी प्रकाश यशवंत अम्बेडकर जी की पार्टी। उसके बाद मैं लेना चाहूंगी और भी कई अम्बेडकर पार्टी है, लेकिन क्या हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक गलती कर रहे हैं? हम विकल्प ढूंढ रहे हैं इस देश के लिए। यानी आप सब जानते हैं पिछले 70 साल में, अगर हम देख लें 70-71 साल में, तो विकल्प बनाने में हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम खुद अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यानी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ लोगों, मेरी जितनी कहते हैं ना जितना मेरा दिमाग उतनी मेरी जो मेरी नॉलेज मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। किसी को कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, किसी जाति भेद और किसी पार्टी को समर्थन, किसी पार्टी को समर्थन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थर्ड विकल्प ढूंढ रही हूँ जो मेरे भारत के लिए है, जो सच में 85% यानी 85% लोगों के भविष्य का सवाल है। भाइयों और बहनों, आप ध्यान से सोचे कि हम इतनी पार्टियां जो आम्बेडकर वादी पार्टियां कहलाती हैं, प्लस अभी प्रकाश आम्बेडकर जी के साथ एमआईएम पार्टी गठबंधन करके महाराष्ट्र में आई है, वो भी मुझे, मैं कहीं ना कहीं मैं एक अच्छी मुस्लिम और बहुजन समाज की एकता की तारीफ कहूंगी।
गठबंधन को, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं कि देखिए हमारी ये पार्टियाँ में आप सब जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया है, जितनी भी पार्टी के अध्यक्ष लोगों का, उन सब से मैं निवेदन करना चाहूँगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सारी पार्टियाँ जो हम 85% मूल निवासी के लिए लड़ रहे हैं, ये सारी पार्टियाँ एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपना तीसरा विकल्प यानी कांग्रेस या भाजपा के अलावा इसको समर्थन करके हम एक साथ एकजुट होकर ना किसी भक्तगिरी हम ना करें, जैसे कोई भक्त है BSP का, कोई भक्त है SP का, कोई भक्त है MVP का, कोई भक्त है BVP, जो भी पार्टियों के नाम है। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, जिस पार्टी के लिए काम करते हैं उसके हम भक्त बन जाते हैं, हमारा जो मिशन है हम भूल जाते हैं। हमारा मिशन, जब मायावती जी कहती हैं कि मैं मूल निवासियों के लिए काम कर रही हूँ, जब अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं मूल निवासी के लिए काम कर रहा हूँ, जब मातंग सर कहते हैं कि मैं मूल निवासियों के लिए काम कर रहा हूँ, प्रकाश अंबेडकर जी कहते हैं कि जी हाँ मैं मूल निवासियों के लिए काम कर रहा हूँ, इनफैक्ट माई सेल्फ आई से ऑलवेज कि मैं मूल निवासियों के लिए काम कर रही हूँ, यहाँ तक कि हर एक पार्टी वाले जितने भी समाज अंबेडकरवादी हैं, बहुजन समाज जिन्हें कहा जाएगा, हम हमारा मोटो, हमारा एम, हमारा एक ही है कि हम मूल निवासियों के साथ चले। तो क्यों क्यों ना हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि दोस्तों, और मैं पार्टी के मेंबरान से भी कहना चाहूँगी, जो प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या स्टेट लेवल के प्रेसिडेंट या नेशनल लेवल के प्रेसिडेंट, हर एक से भी मेरे निवेदन है, मैं खास करके निवेदन करूँगी हाथ जोड़ के, कि कहीं ना कहीं हम विकल्प ढूंढने के चक्कर में हम भाजपा को सीधा सीधा जिता रहे हैं, भाजपा को जिताना या हरना हराना मेरा ये विषय नहीं है। फिर से मैं रिमेम्बर करूंगी एक चीज और, कांग्रेस को हराना या जिताना मेरा ये विषय नहीं है, मेरा विषय है कि हमारी थर्ड पार्टी जिसमें मुस्लिम और भीम राव यानी आंबेडकरवादी के, बहुजन समाज के, SC ST OBC माइनॉरिटीज, जितने भी पिछड़े और आदिवासी और मुसलमानों के साथ, सिख ईसाई जितने भी लोग हैं, उनके भविष्य के लिए हम एक साथ एक विकल्प निकाले। मेरा विषय किसी को हराना और किसी को जिताना नहीं है, मेरा विषय है कि मुझे जीतना है, मुझे विकल्प लाना है, ये मेरा विषय है। तो उस विकल्प को लाने के लिए मैं ये तो कभी नहीं करूंगी कि मैं सीधे सीधे किसी और को जिता दूं। ये मैं आप लोगों से क्यों हमेशा दोहरा रही हूं, क्योंकि मुझे कई ऐसे लोग हैं बहुजन समाज के जो मुझे अपनी बहन कहते हैं, यानी बहन जी के बाद, मायावती जी के बाद मैं समझती हूँ बहुजन समाज के अंदर एक लोकप्रियता जो आई है वो मुझे बहन जी कहते हैं, उनकी लैंग्वेज में, जैसे मुझे मुसलमान आपा कहते हैं, बाजी कहते हैं। तो उस तरीके से मैं उन भीम अंबेडकर वादी बहुजन समाज से निवेदन करना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं अगर आप मुझे बहन मानते हैं अपनी, तो क्यों नहीं हम, आप मुझसे ये क्वेश्चन क्यों करते हैं कि आप मैडम भाजपा में आइए, मैडम आप SP में आइए समाजवादी पार्टी में, कोई कहता है कि मैडम आप BMP में आइए, कोई कहता है कि प्रकाश अंबेडकर जी के साथ आइए, कोई कहता है कि शिवपाल यादव जी के साथ आइए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अठावले जी, ये सारे सारी पार्टियों में मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरे सवाल का जवाब आप ही बताएं। अगर सच में आपको लगता है कि वाकई में मैं बहुजन समाज के लिए काम कर रही हूँ, माइनॉरिटीज SC ST OBC मूल निवासियों के लिए वाकई में मैं कुछ करना चाहती हूँ, और आपका मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि आप जिस पार्टी के साथ हैं, जिनके समर्थक हैं, उसमें मुझे बुलाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन क्या ये सवाल मेरा सही नहीं है, क्या हम सबको एक साथ बजाय मुझे आपकी पार्टी में बुलाने के, क्यों नहीं मायावती जी और अखिलेश यादव जी और मातंग सर जी, अठावले जी, प्रकाश अंबेडकर जी और दूसरे यादव है ना, उनका नाम है शिवपाल यादव जी, ये क्यों नहीं एक गठबंधन कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट ले लो या अलग अलग या तो नेशनल वे पे ये लोग एक बार जिस तरीके से भी हो, मेरा एक ही कहने का मकसद है कि
अगर हमें विकल्प चाहिए तो उसका रास्ता ढूंढना होगा। ये विकल्प नहीं होगा कि हम ये सोचें कि यास्मीन अरोड़ा मुंशी आने से मुस्लिम समाज उसके पीछे आ जाएगा, या बहुजन समाज का कोई और आने से मेरी पार्टी में उनका समाज पार्टी में आ जाएगा। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि ऐसी अन्य पार्टी जो मुसलमानों की भी है, जैसे MIM ने एक पहल की है महाराष्ट्र के लिए, मैं नहीं जानती कि ये पहल कहाँ तक जाएगी, कितनी सक्सेस होगी, इसमें क्या पॉलिटिक्स है प्रकाश अंबेडकर जी की तरफ से या MIM के असदुद्दीन साहब की तरफ से, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि बजाय हम अलग अलग तरीके से चलने से, एक प्लेटफॉर्म पे आने से, मूल निवासी का मतलब है अगर भारत को हमें सक्सेस बनाना है तो हमें पावर में आना है। भारत में सिर्फ दो विकल्प, दो ही है, यानी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो क्यों नहीं है, इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा जा रहा है। मेरा ये वीडियो दोस्तों मायावती तक भी मेरा सवाल है कि क्यों मायावती जी BMP पार्टी को समर्थन नहीं कर रही है, क्यों मायावती जी प्रकाश अंबेडकर जी के साथ समर्थन में नहीं आ रही है, शिवपाल यादव जी के साथ नहीं आ रही है, किसी अलग स्टेट से। मैंने ये नहीं कहा कि अगर आपने समाजवादी पार्टी और भाजपा पार्टी को अगर आपने समर्थन लिया है एक दूसरे का, इससे सीधे सीधे मैं यादव जी से भी कहना चाहूंगी, अखिलेश यादव जी से, इससे सीधे सीधे आप लोग बीजेपी को हरा जीता रहे हैं, बीजेपी को सीधा सीधा जीता रहे हैं। और ये 100% मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर ऐसा होता है, अगर आप लोग BMP को नहीं जोड़ते हैं साथ में किसी और स्टेट में, और कोई और पार्टी जैसे प्रकाश अंबेडकर, ये सारे लोग जब तक एक नहीं होंगे, एटलीस्ट 2019 में आपके जितने भी बातें हैं कि नोक झोंक या आप लोगों में जो नहीं बनती, ये सारे मुद्दों को भूलकर अगर सच में ये सारी पार्टियां, देखिए मैं आज भी कहती हूँ, आज 14 जनवरी है, 14 जनवरी 2019, मैं किसी भी पार्टी में अभी तक मैं गई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही चाहूंगी कि एडवाइस भी है मेरा और मेरी विनती भी समझिए इसको, कि अगर हमें मूल निवासियों के लिए काम करना ही है तो हमें मूल निवासी बन के सोचना भी पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर सच में इतनी सारी पार्टियां हम एक तरीके से डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, क्यों ना हम एक साथ आ जाएं। जैसे मैं माननीय वामन मिश्राम साहब से बहुत इम्प्रेस्ड हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। बामसेफ से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस क्यों हुई हूँ मैं बताती हूँ, क्योंकि बामसेफ में मैंने देखा है, मेरा जाने का एक ही मकसद है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बहुजन समाज में SC ST OBC माइनॉरिटीज और जितने भी मूल निवासी, उनको उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें हमारे मुस्लिमों के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं चाहूँगी कि मैं अपने मुस्लिम समाज से चाहूँगी कि स्पेशली मैं कहती हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करें, आप थोड़े दिन के लिए क्यों नहीं, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में आप आए, इस संगठन को समझे एक बार, क्यों नहीं आप इस कैडर में आए, आप समझे कि ये वामन मिश्राम है कौन, ये चाहते क्या है, ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है अगर हम जब तक एक दूसरे के करीब आएंगे नहीं, ना मुसलमान बहुजन का हो सकता है, ना बहुजन मुसलमान का, ना सिख ईसाई मुसलमान और बहुजन के बीच में हो सकते हैं एक साथ। और मेरा कहने का एक और आप लोगों को बहुत यानी विशेषता से मैं कहना चाहती हूँ कि पार्टी किसी की भी हो, भक्तगिरी ना करें। उसका उसका ये देखो कि एम क्या है, सच में वो विकल्प ढूंढ रहा है या अपने प्रॉफिट पे है। देखिए माननीय मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी, कई सालों से पार्टी है इनकी। काशीराम जी, माननीय काशीराम जी ने बामसेफ शुरुआत की थी, उसके बाद वामन मिश्राम साहब, रिस्पेक्टेड वामन मिश्राम साहब ने हमें मुसलमानों को एक ओहदा दिया, एक अपनी पार्टी, पार्टी नहीं कहूँगी, ऑर्गेनाइजेशन बामसेफ में लिया, उन्होंने हमारे बारे में सोचा। लेकिन अप्रिशिएबल क्यों है, क्योंकि आज तक किसी मुस्लिम समाज ने भी हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचा, किसी मुस्लिम पार्टी ने भी हमारे बारे में नहीं सोचा। इनफैक्ट जो कट्टर मुस्लिम पार्टी है वो भी आज तक ये नहीं कह पाई कि यास्मीन अरोड़ा मुंशी आज आपके पास लोग लोकप्रियता है, आपको लोग चाहते हैं, आप हमारी पार्टी में आए। आज तक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप खुद समझ जाएं कि कौन जो मुस्लिम 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 करते हैं,
मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुजन समाज मुझे जब इतनी लोकप्रियता दिखा रहा है, तो मुसलमानों का भी फर्ज बनता है कि अपनी बहन और अपने भाइयों के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए, माननीय वामन मिश्राम साहब को समझे, उनकी बातों को सुने। देखिए, मैं कहती हूँ कि विचारधारा सबकी अलग होती है, लेकिन हम एक कब नहीं होंगे, जब तक एक नहीं होंगे, जब तक हमारी विचारधारा और सामने वालों को हम समझ के उनके कहने पर नहीं चलेंगे या उनकी जो सही बात है उस पर नहीं चलेंगे, जब तक हमारी विचारधारा मैच नहीं होगी। आप लोगों से मैं विनंती करती हूँ, मुझे ये बोलना छोड़ दीजिए कि मैडम आप मायावती जी के साथ हो चलिए, आप ये अखिलेश यादव के साथ हो चलिए, आप प्रकाश अम्बेडकर के साथ चलिए, उनकी हवा चलिए। आज किसी की हवा मत चलाइए, हमें दूसरों की हवा निकालनी है, हवा चलानी नहीं है किसी एक पार्टी की, हमें विकल्प लाना है। विकल्प मीन्स थर्ड पार्टी, क्या नाम है उसका, अगर थर्ड पार्टी बनाना ही होता तो मायावती जी आज तक एक पार्टी क्यों नहीं कर पाई, नेशनल लेवल पे क्यों नहीं आगे आ पाई, मेरे सवाल है, क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ इस चीज़ पे, मैं समझना चाहती हूँ। मुझे जानती हूँ कि मेरी उम्र के हिसाब से मुझे उतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे सवाल तो बनते हैं, अखिलेश यादव जी से भी बनते हैं कि भाई आपके पिता श्री यादव जी ने आज तक क्यों नेशनल पार्टी नहीं बना पाए, क्यों वो सत्ता अपने हाथ में नहीं ले पाए, मायावती जी क्यों नहीं ले पाए, कुछ तो वजह होगी ना। और एक बात, चंद्रशेखर आज़ाद जिन्हें रावण कहते हैं, पता नहीं ये सही वर्ड है उनके लिए या नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन चंद्रप्रकाश आज़ाद जी जी के लिए भी मैंने दो बार मायावती का, पता नहीं न्यूज़ फेक है या सही है, मैं आप लोगों को वापस रिपीट करती हूँ, उनको ये कहा गया कि हमें चंद्रशेखर आज़ाद जो रावण कहलाते हैं, उनको उनका समर्थन नहीं चाहिए। तो मायावती जी, मुझे समझ में नहीं आई है बात कि ये कहाँ तक के सही है या कहाँ तक के गलत है, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी खुद एक अंबेडकर जय भीम को लेके चल रहे हैं, मतलब भीम आर्मी को लेके चल रहे हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जय भीम आर्मी, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आप भी अंबेडकरवादी और वो भी अंबेडकरवादी, तो ऐसी क्या बात है उसमें, वो भी तो आप लोग क्लियर करो, उससे हमें ये भी पता चले ना कि भाई सच में बात क्या है, हमें भी तो पता चले ये अंदर अंदर की क्या बात है। आप उनका समर्थन क्यों नहीं चाहती, आप चंद्रशेखर आज़ाद जी का समर्थन क्यों नहीं चाहती। तो लोगों, ये सारी बातें हैं ना मेरे भाइयों और बहनों, हमें समझना पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है, और वाकई में जब ये पार्टियां मूल निवासियों के लिए काम कर रही हैं, तो ये एक साथ आने के लिए क्यों आज तक झिझक रही है, क्या ये चाहती हैं कि सामने वाला पहल करे, या ये समझ रही हैं ये पार्टियां कि मैं आगे से झुक के क्यों जाऊं। यहाँ पे मैटर झुकने और झुकाने का नहीं है, यहाँ पे विषय है हमारा कि हमें विकल्प लाना है 2019 में, और मुझे कहीं से ये विकल्प नजर नहीं आ रहा है। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करना, क्यों, क्योंकि मैं माननीय वामन मिश्राम साहब की बातों से एग्री हूँ, मैंने उनके कुछ स्पीचेस सुने थे, और उनके साथ जब मैं नागपुर में थी तो मैंने इनके साथ 2 दिन एडिवेशन में मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था, जो उनकी बातें थी उन्होंने सच में कहा था कि हमें खुद डिवाइड क्यों किए जा रहे हैं, हमें हिंदू कहा जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वामन मिश्राम साहब, थैंक यू सैल्यूट कि मुझे आज, मतलब जब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ मैं बामसेफ से, मुझे पता चला कि आप लोग तो हिंदू हो ही नहीं, 85% कोई भारत में हिंदू है ही नहीं, लेकिन आप ही ने मुझे बताया कि हिंदू कह के इन लोगों को, कट्टर हिंदू कह के इनके हाथ में भगवे झंडे देकर इनको मुसलमानों की लिंचिंग भी करवाई जा रही है गलत तरीके से। ये तो सैल्यूट है सर आपको, सैल्यूट है वामन मिश्राम साहब कि ये चीज़ मुझे पता चली। इसके लिए मैं मुस्लिम समाज से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट, अगर सच्चाई जाननी है ना, तो एक बार वामन मिश्राम साहब के बामसेफ, आप सिर्फ एक बार बामसेफ यूट्यूब में डालें, वामन मिश्राम साहब, मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, वामन मिश्राम साहब, उनके यूट्यूब पे से ज़्यादा नहीं मेरे भाइयों, 5 वीडियो देख लो, कसम खुदा की कहती हूँ, आपको अगर दुनिया अपने भारत की सच्चाई सामने नहीं आ जाए ना, तो आप मुझसे कहना कि मैं, आप बहन गलत हो, और मैं एग्री हो जाऊंगी। सिर्फ 5 वीडियो उनके देख के देखो आप, सिर्फ, आप उनके फैन ही नहीं होंगे, सच में उनकी सच्चाई सामने है, वो आपको समझ में आएगी कि भारत में क्या चल रहा है, मुसलमानों को किससे मारने पर लगाया जा रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है मेरे भाइयों,
पार्टी के भक्त बनना छोड़ो, विकल्प ढूंढो, विकल्प आप लोगों, आप ही विकल्प हो और हम ही विकल्प हैं। हम माइनॉरिटीज, हम मुसलमानों को भी वही तकलीफ़ है जो आप बहुजन समाज को है, जो SC को है वो ST को भी वही तकलीफ़ है, जो ST को तकलीफ़ है वो ही OBC वालों को तकलीफ़ है। करें और हम मुसलमान समाज आपका समर्थन करें और हम सब मिलकर एक विकल्प यानी तीसरी नेशनल पार्टी के लिए काम करें। हम किसी पार्टी के भक्त नहीं बने, हमें सबसे पहले सोचना है भारत के लिए। ये सिर्फ वंदे मातरम, भारत माता की जय कहने से कोई भारत भक्त नहीं हो जाता। यहाँ पे भगत सिंह बनना पड़ेगा, यहाँ पे अशफाक उल्ला बनना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको खुद आगे आके आपको भारत के लिए अपनी जिंदगी त्याग करनी पड़ेगी, अपना आराम त्याग करना पड़ेगा। उस तरीके से नहीं बाबा, जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैंने, मित्रों मैंने देश के लिए घर बार परिवार छोड़ा, उस तरीके से नहीं। आप घर को भी रखो, बाहर को भी रखो, परिवार को भी रखो, लेकिन विकल्प पे हमारा एम, हमारा मकसद विकल्प पे होना चाहिए। और मेरे बहुजन समाज के लिए स्पेशली एकता जिंदाबाद पेज, आपको सलूट है मेरे विशाल भाई, आर्यन भाई सलूट है आपको, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज बहुजन समाज का एक हिस्सा बनाया। और आज मेरे पास हजारों लाखों मैसेज ये आते हैं कि मैडम आप मायावती जी बहन जी के साथ चलिए, समाजवादी पार्टी के साथ चलिए, अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर जी के साथ चलिए। आज आपको सलूट है मेरे भाई, जो आपने मेरे लिए मेहनत की और मेरी अच्छी बातों को अपने बहुजन समाज में भीम TV के जरिए आपने ये बातें आगे फैलाई। मैं आपको सलूट करती हूँ, शुक्रिया से ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। और मैं आप सारे मुसलमानों से और SC ST OBC माइनॉरिटीज 85% मूल निवासी मेरे भाइयों, हमें आगे आना होगा। और प्लीज़ भूलना नहीं, मुसलमान को अगर मुझे बहन मानते हो तो एक बार बामसेफ के वामन मिश्राम साहब का, और उसी में आप अपने सज्जाद नोमानी साहब, श्री श्री सज्जाद नोमानी साहब जो पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, उनके भी, उनके साथ कुछ इंटरव्यूज़ हैं, वो भी आप सुने, आपको खुद पता चल जाएगा कि राष्ट्र मुस्लिम मोर्चा क्यों बनाया गया। बहुजनों को मुस्लिमों की ज़रूरत नहीं थी, सिखों को मुस्लिमों की ज़रूरत नहीं थी, ईसाइयों को मुस्लिमों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज बहुजन हमारे मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इट्स अ बिग सैल्यूट फॉर देम, इट्स अ बिग सैल्यूट फॉर देम। और हमें उसी तरीके से उनका समर्थन करना है। जो मैं कह सकती थी मेरे भाइयों, जो मुझे समझ में आया मैंने कह दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए तो भी मैं आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं कहीं गलत हूँ, लेकिन माफ़ी मांगना मेरा फ़र्ज़ है। और रही बात मुसलमान और बहुजन मूल निवासी जितने भी हमें, मैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे देखना चाहती हूँ, ये मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी है और विकल्प मैं बनाना चाहती हूँ। आज तक आप क्यों नहीं सोच रहे कि मैं आज कांग्रेस में क्यों नहीं हूँ, आज मेरी इतनी लोकप्रियता है लेकिन मैं कांग्रेस में क्यों नहीं गई, ये सवाल ढूंढो आप अपने आप में। आज मेरी इतनी लोकप्रियता है तो क्या भाजपा में इतने RSS वालों ने मुस्लिम मंच बनाया है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, हाँ हमारा मोर्चा है, उनका मंच है, लेकिन आपने आज तक ये क्यों नहीं सोचा कि यास्मीन अरोरा मुंशी जैसी लोकप्रियता एक लेडी इन लोगों के साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि मैंने आपसे कह दिया, हमें विकल्प ढूंढना है मूल निवासियों के लिए, हमें किसी की भक्ति नहीं करनी, जय 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 नहीं करनी। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।